रहस्यों से लबरेज इस बावड़ी की आज मैं आपको सैर करवाऊंगा। इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सुरंगें जो हैं लाहौर और दिल्ली तक जाती हैं, और साथ में ये भी कहा जाता है कि उन्हीं सुरंगों में कहीं ना कहीं खरबों का अरबों का यहाँ पर खजाना दबा हुआ है। और इसी सोच को लेकर कई लोग जहाँ अंदर भी गए, और एक बार तो पूरी बारात चली गई। जिस तरह से स्थानीय लोगों का मानना है कि वो बारात आज तक नहीं लौटी। ये खजाना कौन लेकर आया उसके बारे में कहते हैं कि जानी चोर का एक करैक्टर यहाँ पर हुआ, जो सेठों को लूटता था और खजाना यहाँ पर वो धन जमा कर देता था और बहुत सारा धन यहाँ के गरीबों में बांट देता था। इसके इत्र यहाँ पर इतिहासकारों का क्या मत है वो भी अपनी स्टोरी में मैं बताऊँगा। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम खाना बदोश जिंदगी। हरियाणा के रोहतक जिले के तहत आने वाले महम कस्बे में यह बावड़ी है। कोई से जानी चोर की गुफा कहता है, कोई जानी चोर की बावड़ी। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड में इसे शाहजहां की बावड़ी के नाम से जानते हैं। यह बावड़ी किसने बनवाई, किस मकसद से बनवाई गई, क्या वाकई इस बावड़ी में अरबों खरबों का खजाना दबा है, क्या सच में इस बावड़ी की सुरंगें लाहौर और दिल्ली तक जाती हैं, जानी चोर कौन था, क्या उसने किसी सुरंग में यहाँ खजाना छिपाया था, क्या सच में खजाने की चाहत में इसके अंदर जो गया वो आज तक नहीं लौटा, इन सारे सवालों के जवाब आपको हम अपने इस खास प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी बावड़ी को लेकर पैदा हुए सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें, ताकि आपको बेहतरीन जानकारी तथ्यों के साथ यूं ही मिलती रहे। खैर, सबसे पहले देखिए इस बावड़ी का ड्रोन व्यू। ऊपर से बेहद खूबसूरत, लेकिन अंदर से खुद में रहस्यों से लबरेज यह बावड़ी। यह वीडियो को देखकर आप भी यहां आने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखने में ज्ञानी और आम बोली में जानी चोर की बावड़ी के नाम से इस जगह को पहचान मिली। इस इलाके में एक किदवंती है कि मुगलों के जमाने में जानी चोर हुए, जो अमीर सेठों को लूटता, उनके घरों में चोरी करता और धन को गरीबों में बांट देता, बाकी बचे धन को इस बावड़ी में कहीं छुपा देता। इस बावड़ी में कई सुरंगें होने की बातें भी इस इलाके में चलती हैं, जो लाहौर और दिल्ली तक जाती। उन्हीं में कहीं जानी चोर द्वारा लूटे हुए अरबों के खजाने की मौजूदगी होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। जैसा कि इस इलाके के लोग मानते हैं कि इस खजाने तक बहुतेरे लोगों ने पहुंचने की कोशिश तो की, लेकिन जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। एक बार तो बारात की बारात अंदर चली गई, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। हमने अब तक जो आपको कहानी बताई है इस इलाके में खूब सुनी सुनाई जाती है। यहाँ बावड़ी में आए हो आप, क्या सुना है इसके बारे में? क्या भाई, ये सुना कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये पेड़ियाँ थी इसके अंदर, अब तो ये कुछ तो ढक रखी है मिट्टी को, और इसके अंदर काफ़ी सुरंग है, बहुत ज़्यादा सुरंग है इसके अंदर। तो अली में सरकार की उस पर निरूपण ने खोल रही इसको, नहीं तो यहाँ पर जगह जाती है लोगों के लिए। तो जानी चोर की बावड़ी कहते हैं इसको? हाँ, जानी चोर की बावड़ी कहते हैं। क्यों? ये जो जो पहले से जो सुनते आ रहे हैं वही बात से हैं। क्या? कि तो इसी बात ये सुना हम तो, उसकी जानी चोर की बावड़ी है, जो गरीब लोगों के लिए जो कुछ करे, बढ़िया काम करे था उसने तो, और दो अमीर उनको अपने जो कयादन के साथ दो गठबंद होती थी, और उनको सहायता करता था गरीबों की, कभी गरीबों को सहित नहीं है ये नहीं है। और या तुम आए तो गिनने दो, गिनना मैं घूमते फिरते रहा वहाँ आकर अपने शांति हो थोड़ी अड़ा कर। ये भी सुना कि खजाना है इसमें पैसे वैसे? हाँ, सुना तो ये भी, हमने भी सुना खजाना इसके अंदर है। वही बात है ना, ये सरकार के अंदर मैं तो जो सब चौकों में है, ये आम आदमी तो क्या कुछ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ना, तो और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि इन्होंने कोई बरात बरात भी अंदर चली गई था ऐसा कुछ? अंदर वो बरात की बता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं हम तो ऐसे सुना कि जैसे को बरात आई थी घूमने फिरने के लिए, इसमें पीछे निशान लगाते रहे, कुछ निशान को मिटाता रहा, वो बरात उसके अंदर ही दफन होगी, इसके बाद वापस निकली नहीं वो। यही सुन लिया माया में।
इतना इसमें है। ठीक। इस रहस्यमय बावड़ी का एक ये पक्ष है, बाकी एक पक्ष आगे बताने जा रहे हैं ताकि आपको सच का पता लग पाए। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें और इतिहासकारों की बात पर यकीन करें तो पुराने वक्त में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियां बनवाई जाती थी। इसी मसलत रोहतक के महम कस्बे के दक्षिण छोर पर सदियों पहले तामीर की गई थी ये बावड़ी। इसकी तस्दीक बावड़ी की दीवार पर चस्पा ये कतबा भी करता है। हालांकि इस पत्थर पर फारसी में लिखा है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी में तर्जुमा यानी कि अनुवाद करके बता रहे हैं। इस सवर के झरने का निर्माण सैदु कलाल ने 1069 हिजरी बरस में यानी कि 1658 और 59 ईस्वी में करवाया था। उस वक्त दिल्ली में मुगल शहंशाह शाहजहां हुआ करते थे और सैदु कलाल उनका चौकीदार। यह बावड़ी विशाल है, इसमें कुआ है जिस तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, लेकिन हाल में ये 101 सीढ़ियां नहीं बची हैं। इस बावड़ी तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि ये सीढ़ियां बहुत कम बची हैं और यहां का हाल देखें तो बिल्कुल पानी भरा हुआ है। और आगे जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट में वहां पर एक कुआ है और कुएं के आसपास बहुत सारे इस तरह से मेहराब बने हुए हैं और आप कह सकते हैं कि ये सुरंग भी हो सकती हैं। इसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में हम इतिहासकारों से पूछेंगे कि इनका अर्थ क्या था और ये किस लिए बनाई गई थी। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें हैं और ये सुरंग यहाँ से लाहौर और दिल्ली तक जाती हैं, जिसमें जानी चोर का खजाना भी दबा हुआ है। इतिहासकार डॉक्टर विवेक दांगी का इस बारे में क्या मत है वो भी आप सुन लीजिए ताकि सारी कहानी साफ हो सके। क्या इसमें हकीकत है, क्या फसाना? काल्पनिक करेक्टर है ऐतिहासिक तौर पर मुगल काल में या उसके बाद में ब्रिटिश पीरियड में, हमें इसका कोई जिक्र मतलब तत्कालीन साहित्य में या किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता। तो ज्ञानी चोर की बावड़ी मतलब बावड़ी तो ये है, पर ज्ञानी चोर की बावड़ी इसको जो है ऐसे ही बोलते, मिथ है ये। इसके अंदर कोई खजाना वगैरह नहीं है, ये एक सिंपल जो है स्टेप वेल है। अच्छा, उसमें दूसरा सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ की जो सुरंगें हैं बहुत लाहौर और दिल्ली तक जाती हैं, इस तरह की किदवंतियाँ हैं। आधुनिक समय में तो हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है कि हम मतलब 5 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की भी सुरंग बना लें, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ मतलब कोई सुरंग है ही नहीं। तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह की ये बावड़ी होती हैं, उसका कंसेप्ट क्या होता है? एक्चुअली महम जो है वो मुगल दौर में एक सरकार होता था, सरकार इट्स वाज काइंड ऑफ लाइक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और काफ़ी जो है यहाँ का गन्ना और गन्ने के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं जैसे गुड़ और शक्कर, ये बहुत प्रसिद्ध थे। और सीधा जो इनका शाही महल में मतलब ये कह लो लाल किले में महम से ही गुड़ जाता था, ये तत्कालीन साहित्य में भी लिखा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र था। और जहाँ तक इसकी बावड़ी की बात करते हैं तो ये कोई छोटा कंस्ट्रक्शन तो था नहीं, ये मतलब कमीशन कंस्ट्रक्शन था और किसी टिपिकल मुगल शैली में ये बनी हुई बावड़ी है। सैदु कलाल जो यहाँ का गवर्नर था लोकल कह लो या उस टाइम का कलेक्टर कह लो ब्रिटिश इस शाहजहाँ के काल का, 1658-59 में जो है इसका निर्माण हुआ था। जी जी, इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में और बता दीजिए आपकी, किस तरह का स्ट्रक्चर है ये? स्ट्रक्चर बेसिकली एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है और भारत सरकार द्वारा जो है ये संरक्षित स्मारक है, अपने रोहतक जिले का इकलौता जो है संरक्षित स्मारक है ये। इसके अलावा दूसरा जो है खोखरा कोट है, पर जिसके ऊपर जो है अतिक्रमण हो चुका है। और इसकी जो शैली की अगर हम बात करें तो ये लखोरी ईंटों से बना हुआ है, चूने की इसमें सारी चिनाई है। बार बार गिरने की वजह से इसने जो है ना इसके कुओं का जो स्वरूप है और कुछ जो इसकी सीढ़ियां हैं जो अंदर वाली वो तो वास्तविक स्वरूप में है, पर बाहरी दीवारें तो इसकी बार बार गिर रही हैं और रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं, रिनोवेट हो रही है। एक टिपिकल मुगल इमारत है ये। इस बावड़ी के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। दीवार पर नजर डालें तो यहाँ पर कमरों के गेट की शक्ल में दिखाई देते हैं,
लेकिन हाल में सरकारी विभाग ने इनको बंद करवा दिया होगा। इतिहासकार मानते हैं ये बावड़ी का ढांचा पहले जैसा अंदर से तो है, लेकिन कहीं कहीं से दोबारा बनवाया गया है। देखरेख की बात करें तो भारत सरकार के पुरातत्व महकमे के तहत इसकी निगरानी का जिम्मा दे रखा है। जानी चोर की बावड़ी को लेकर आपकी राय क्या है? क्या यहाँ पर जानी चोर नाम का कोई व्यक्ति हुआ है या फिर नहीं? यहाँ पर अरबों का खजाना दबा है कि नहीं? यहाँ से जो सुरंगें हैं दिल्ली और लाहौर तक जाती हैं या नहीं? इतिहासकारों के मत से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय दें। नमस्कार।